तू गेर नहीं परदेस वहाँ मर अखिया नहीं सोबाओ आ पगल रे तोर पगली बड़ी रोबाओ। कितना उम्र है आपका? 9 साल। मात्र 9 साल? हाँ। लाइन में रहोगे साखी तो रोला भरवा देखना भेजले हकविष्टा परना महरवा भेटा ही जब ताकौ तेरा छीन जरवा। ये संगम है, मात्र 9 साल की बच्ची है और इनके पिताजी गुजरात में मजदूरी का काम करते हैं। ये सब करती हो तो लोग आसपास वाले नहीं कुछ बोलते हैं? बोलने वाला के बोलने दीजिए, हम अपन काम करते हैं। तू रही दूर ही रह के नाचिए जी जहाँ जी हथवा पकड़ के ना नाचिए नहीं ता गोसाई जहे हमारो ला भरवे। कोई बोलता है कि नचनिया बनाई बनाए, हम माता खराब हो जाता है इसमें। अच्छा, लवर का मतलब समझते हैं ना? हाँ, तो कौन आपको ये सब गाना लिख करके देता है? हम खुद लिखते हैं। खुद लिखते? बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा काफी प्रतिभावान है, बस केवल उनकी प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता है। खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते ही देखते कोई व्यक्ति रातों रात वायरल हो जाते हैं। हमारे साथ जिस 9 साल की आप बच्ची को देख रहे हैं, इसमें भी काफी टैलेंट है और ये भी काफी प्रतिभावान है। सामने में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, इसकी उम्र मात्र 9 साल है और ये 5वीं क्लास में पढ़ती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हो गई है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रही है। खासकर इसके इंस्टाग्राम पर इसके द्वारा ही जो गाना गाया गया है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये 9 साल की बच्ची खुद एक गायक बन गई है। फिलहाल इस वक्त हम लोग नालंदा के तेल्हाड़ा में हैं, बाकी सब कुछ ये बताएगी। इस बच्ची का नाम हम आपको बता देते हैं, इसका नाम संगम है और संगम इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? संगम कुमारी। कितना उम्र है आपका? 9 साल। मात्र 9 साल? हाँ। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं संगम? 5 क्लास में? हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। पापा क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? ऐसे ही कंपनी वाला। कंपनी में मजदूरी का काम करते हैं? हाँ। कहाँ? गुजरात। गुजरात में? तो देखिए, ये संगम है, मात्र 9 साल की बच्ची है और इनके पिताजी गुजरात में मजदूरी का काम करते हैं। यानी बिहार का जितना भी बेरोजगार युवा है वो दूसरे प्रदेश में जाकर अपना रोजगार करता है, लेकिन उनके बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, जैसा कि संगम है। अब बाकी हम संगम से और कुछ इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये खुद एक गायक है। आप गाना उना भी गाती हैं? हाँ। कब से आप गाना उना गाना शुरू की हैं और कब से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक्टिव आप हुई हैं, कब से ये सब काम करना शुरू की? अभी हुआ है, गाना गाना है तो हुआ है 10-15 दिन। मात्र 10-15 दिन से गाना गाना शुरू किए? हाँ। और सोशल मीडिया पर आप कब से एक्टिव हो गई संगम? 2023 के। 2023 से? आपका कौन कौन सा आईडी है, कहाँ कहाँ आपका आईडी है, किस किस प्लेटफॉर्म पे? एक है संगम कुमारी 124। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे? हाँ। कितना फॉलोवर है? 25,000। 25,000 फॉलोवर है? हाँ। संगम कुमारी जो इंस्टाग्राम पे आपका आईडी है उस पे, और फेसबुक पे भी आईडी है? हाँ। वो किस नाम से है? सुधा देवी से। सुधा देवी, वो कौन हुई? मम्मी। आपकी माँ हुई? हाँ। उन्हीं के नाम से फेसबुक आईडी है? हाँ। उसी पे आप रील्स बनाती हैं? रील्स बनाती हैं ना? हाँ। सबसे पहले आप कौन सा गाना पे रील्स बनाई थी और कैसे रील्स बनाना शुरू की थी आप, किसको देखी थी आप रील्स बनाते, सबसे पहले किसको देखी थी अपने आँखों से? पवन सर को। हाँ। कौन पवन सर थे ना? हाँ। पवन सिंह। हाँ। जो गायक पवन सिंह है? हाँ। यानी पवन सिंह को देखी थी रील्स बनाते हुए, तो उन्हीं को देख करके आप भी रील्स बनाना शुरू किए? हाँ, सब बनाते हैं तो हम भी बनाने लगे। लेकिन आप प्रेरित हुए पवन सिंह से? हाँ। उनसे इंस्पायर्ड हुए? हाँ। पवन सिंह को देख करके? हाँ। तो पवन सिंह का गाना आपको अच्छा लगता होगा? हाँ। कौन सा गाना पे सबसे पहले आप रील्स बनाई थी? गोरी फूल झारी वालों, याद है गाना? हाँ। गा सकती हैं? हाँ। गा करके सुना दीजिए। गोरी फूल झाड़ी बाड़ू
पहाड़ी बारू अलगलू पसावे तू ता पाच पिया फराक वाली। यही गाना पे रील्स बनाए थे आप, पहला रील्स? हाँ। कितना व्यूज गया था इस पे? 80,000। 80,000? हाँ। 80,000 लोग आपको देखे थे? हाँ। 800 के गया था कि 80,000 गया था? 80,000। 80,000 था? हाँ, मिलियन बोल रहे हैं। 800 के में गया था? नहीं तो 8,000 गया था। 8,000? 800 के था ना, 800 के था। हाँ। तो वो 800,000 हुआ। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। सोशल मीडिया में उसका काउंट जो होता है ना, यूट्यूब फेसबुक, उसको 800,000 में काउंट करता है। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है आपको? संगम सब में लगता है। हा? सब में। तो कैसे आप इधर गाना ये सब रील्स बनाने में आ गए, सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव हो गए? नहीं, हम आप पढ़ाई पे भी ध्यान रखते हैं, इस पे भी। अच्छा, तो करना आपको क्या है, पढ़ाई करना है कि केवल गाना गाना है? दोनों। दोनों काम करना है? हाँ। अच्छा, इधर 15 दिन में आप गाना भी गाए हैं ना? हाँ। कौन सा गायक आपको सबसे अच्छा लगते हैं? सारा गायक अच्छा लगते हैं। हाँ। तो आप कौन सा गाना गाए हैं जो सबसे ज्यादा सुना गया है? तू गे नी परदेसवा। कौन सा गाना है, गा करके सुनाइए जरा। तू गे नी परदेसवा हमारे अखिया नहीं सोबा, पगल रे है तोर पगली बड़ी रोबा। पगला रे तोर पगली बड़ी रोब, तो तुम पागल हो क्या? नहीं, गाना निकाले हैं। गाना निकाली हो? हाँ। कहाँ से गाना निकाली हो? सोनम यादव से, वो भी एक गायक थे। अच्छा, उसी पे हम लिखे थे। अच्छा, सोनम यादव जो गायक है? हाँ। उसी के गाना का तुम भी कॉपी की? हाँ। हाँ? हाँ। और उसके बाद गाई, यानी तुम सेकंड सोनम यादव बनना चाहती हो? हाँ। हाँ? हाँ। सेकंड सोनम यादव बनना चाहती हो? हाँ। तो देखिए, ये संगम है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, 10-15 दिन पहले इन्होंने भी एक गाना अपना रिलीज कराया है, वही पगला और पगली वाला। अब आप खुद समझ लीजिए, ये पढ़ना भी चाहती है और ये भी काम करना चाहती है। कोई भी काम बुरा नहीं है, क्योंकि अगर इनमें टैलेंट है तो निश्चित तौर पर ये अपने टैलेंट को निखार सकती है, अपने टैलेंट को लोगों को प्रदर्शित कर सकती है। और हम लोगों को आवश्यकता है इन्हें बढ़ाने की, ताकि बिहार के युवा और युवती जो हैं, जब तक उन्हें प्रेरित नहीं किया जाता है तब तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ऐसे लोगों को गांव और समाज के लोग पीछे खींचने में लग जाएंगे, इन्हें तरह तरह का उलाहना देना शुरू कर देंगे, इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब तुम घर में गाना बजाती हो, कैमरा करती हो, ये सब करती हो, तो लोग आसपास वाले नहीं कुछ बोलते हैं? बोलने वाला को बोलने दीजिए, हम अपन काम करते हैं। बोलने वाला को बोलने दें? हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे तुमको। कोई बोलता है कि नचनिया बनाई बनाई, हमको माथा खराब हो जाता है इसमें। हाँ, ये सब भी लोग बोलता है। हाँ, ना? हाँ। लेकिन आपका माथा खराब हो जाता है, आपको दिक्कत लगता है? हाँ, हाँ? हाँ। आपको करना यही है? हाँ, दोनों करेंगे। दोनों करेगी? हाँ। पढ़ेगी भी और ये भी काम करेगी? हाँ। मन किस चीज में सबसे ज्यादा मन किस में लगता है? सब में। सब में? हाँ। अगर जिधर सफल हो गए? हाँ। तो किधर ज्यादा मेहनत करना है? गाना पे। गाना पे मेहनत करना है? पढ़ाई केवल डिग्री के लिए रखना है, मेहनत करना है गाना पे? हाँ। है ना? हाँ। और कौन सा गाना गाई है? अभी होगा 4 गो होगा। अभी और 4 गाना है? हाँ। थोड़ा थोड़ा सब गुनगुना दीजिए, कौन कौन सा गाना है आपका? लाइन महरोगे साखी तो रोला भरवा, देखना भेजले हकविष्टा परना महरवा, भेटा ही जब तहकौ तीर छिना जरवा। अच्छा, ये सब जो गाना गाते हैं, लवर नंबर, तो आपको नहीं लगता है कि भाई इन गाना में अश्लीलता है, गंदा गाना है? क्यों ये सब गाना गाती हैं? क्यों गाती है ये सब गाना? सब लिखते हैं तब गाते हैं। सब लिखते हैं तब गाते हैं। अच्छा, एक मैथिली ठाकुर का नाम सुनिए, मैथिली ठाकुर? नहीं। नाम नहीं सुनिए मैथिली ठाकुर का? नहीं। तुम सर्च करना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सर्च करना,
यूट्यूब पे सर्च करना मैथिली ठाकुर का, ठीक है ना, वो भी एक मशहूर गायिका है और बिहार की ही बेटी है, अश्लील गाना नहीं गाती है, समझ गए ना, और उसको पुरस्कार भी मिला है सरकार के द्वारा। अश्लील गाना नहीं गाई है, अश्लील गाना से जानते हैं बदनामी होगी समाज में। और कौन सा गाना गाए हैं, लेकिन एम है कि जिससे हम वायरल हो जाएं, है ना। एक मेरा गाना वायरल हुआ है इंस्टा पे। अच्छा, वो कौन सा गाना है? सुरमगा ना जई है, वही वाला। हाँ। कौन सा? पगले रे तो पगली बड़ी रोवा। फिर से गाओ ना, बढ़िया से गाना। तू गे नहीं परदेस वहां मर अखिया नहीं सोबाव, आ पगल रे तोर पगली बड़ी रोबाव, यही गाना था। हाँ। तो दो गाना तो आपने सुनाया, और एक गाना बताइए। एक गाना है दूर ही दूर ही रह के नाचिए जी जहाँ जी, हथवा पकड़ के ना नाचिए, नहीं तो गोसाई जहे हमारो लभरा। ये सब कहाँ से आप लोग गाना सीखे हैं? नहीं लिखते हैं। अच्छा, लभर का मतलब समझते हैं? ना। हाँ? ना। तो कौन आपको ये सब गाना लिख करके देता है? हम खुद लिखते हैं। खुद लिखती है? हाँ। तो जब खुद लिखती है और उस गाना का आप भावार्थ नहीं समझते हैं तो क्यों गाते हैं गाना? हाँ? गाते हैं, जो आता है जो गाते हैं, जो आता है सो गाते हैं। हाँ। अच्छा, पापा आपके गाना को सुने हैं? हाँ, सब सुने हैं। तो सब घर परिवार सब बढ़िया बताए ना गाना को? हाँ। आस पास पड़ोस के लोग सब बढ़िया बताते हैं कि गलत बोलते हैं? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? लेकिन लोग उलाहना जरूर देते हैं। हाँ। क्या क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि नचनिया बना है, ई बना है, कभी कराए कभी कराए। उनसे कोई प्रभाव नहीं ना पड़ता है आपको? गाना लेकिन यही गाना है? नहीं, कोई भी गाना भी गाते हैं। हाँ। सब गाना गाते हैं। सब गाना गाइएगा? हाँ। यानी आपको वायरल होना है, वायरल गायक बनना है? हाँ, गायक बनना है। अच्छा, आगे कितना बड़ा गायक बनना है और आपको कहाँ तक जाना है, ये कुछ सोचे हैं? अगर मान लीजिए आप सोच लिए हैं कि हमें गायक बनना है, इस क्षेत्र में जाना है, गायन के क्षेत्र में, तो कहाँ तक आप जाइएगा? क्या एम है आपका, लक्ष्य क्या है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा गायक बनने का? हाँ। तो अश्लील गाना आप गाते हैं, अश्लील गायक को अब नहीं लोग पसंद करते हैं, सुधार कीजिएगा ना इसमें। हाँ, ठीक है, सुधार कीजिएगा ना। ठीक है, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको बोल दीजिए कि अब हम सुधार देंगे गाना। अब हम सुधार देंगे गाना, बढ़िया से गाएंगे। हाँ, बढ़िया से गाएंगे। रील्स और बनाइएगा ना। हाँ, रील्स तो बनाइएगा ही। हाँ। यूट्यूब पे आपका अकाउंट नहीं है? तो यूट्यूब पे भी अकाउंट बनाइए। ठीक है। हाँ, ठीक है। पढ़ाई मन से करते हैं ना? हाँ। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ। नीतीश कुमार आपके वीडियो को देखेंगे तो क्या बोलिएगा उनको? बोलेंगे। हाँ? बोलेंगे। तो देखिए, ये संगम है, इनके पिताजी गुजरात में रह करके मजदूरी का काम करते हैं, मात्र 9 साल की ये बच्ची है, नालंदा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की ये बच्ची है, जिला मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये रहती है, ग्रामीण इलाकों में, बावजूद ग्रामीण परिवेश में रह करके इन्होंने एक अच्छा सा सपना पाला है कि हमें गायक बनना है, भले ही थोड़ी सी अश्लीलता अपने गानों में अभी ला रहे हैं, बचपना है, नासमझी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम उस चीज़ों को सुधार करेंगे, उनमें सुधार लाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों ये ट्रेंड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन लोग इस बच्ची को प्यार देते हैं, कौन कौन लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग चाहते हैं कि नालंदा की बेटी, बिहार की बेटी पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। और अगर आपके मन में भी कुछ प्रतिक्रिया चल रही है संगम के प्रति तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो गाँव में छिपी हुई ऐसी प्रतिभा है, बस केवल और केवल उस प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि ये जिले से बाहर जा करके, राज्य से बाहर जा करके पूरे देश में अपने गांव, घर और जिले का नाम रोशन कर सके, पूरे देश में अपना परचम लहरा सके।